हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आईपीएल 2022 के पहले क्वालिफायर में गुजरात ने भले ही जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन जब राजस्थान की बल्लेबाजी चल रही थी तब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ऐसी गलती कर दी कि मैच अगर गुजरात हार जाती तो उस मोमेंट को टर्निंग पॉइंट करार दिया जाता और मैच के मुजरिम होते खुद कप्तान पांड्या। बात 17वें ओवर की है। इस ओवर तक बटलर 38 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी ओवर में उन्होंने गियर चेंज करने की फिराक में यश दयाल की पहली बॉल को बाउंड्री पर 4 रनों के लिए भेज दिया और इसके बाद अगली ही गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। कवर्स की तरफ से खेले गए इस शॉट को हार्दिक पांड्या बहुत आसानी से लपक कर बटलर जैसे बड़े बल्लेबाज का शिकार कर सकते थे, लेकिन भागते हुए पांड्या स्लिप होकर गिर पड़े, जिसके बाद ये कैच तो छूटा ही, साथ ही साथ एक चौका अलग पड़ गया। इसके बाद आउट होने से पहले उन्होंने 17 बॉलें और खेली, जिसमें उन्होंने हर बॉलर की खटिया खड़ी करते हुए 47 रन ठोक डाले। बाद की 17 गेंदों में बटलर ने 7 चौके और 2 छक्के जड़े। बटलर ने गुजरात के खिलाफ कुल 89 रनों की पारी खेली। बटलर की इस पारी की बदौलत ही राजस्थान 188 रनों का बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब हुई। हार्दिक की इस गलती के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। एक यूजर ने लिखा, ऐसे फील्डिंग कौन करता है बे, नहीं नहीं वाह। तो एक और यूजर ने लिखा, भाई यहाँ आराम नहीं करना था, कैच लेना था। हार्दिक की ये गलती अब कितनी बड़ी हो सकती थी ये तो आप समझ ही गए होंगे। आपका क्या कहना है हार्दिक की इस चूक पर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।